हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। आज का पाठ है 11 और पाठ का नाम है जब से निमा ने बोलना सीखा। बच्चों, पहले हमारे देश में मूक फिल्म बना करती थी। मूक फिल्म का मतलब होता है बिना बोले, यानी कि फिल्म में किरदार एक्टिंग करते हुए इधर उधर घूमते हुए नजर आते थे, एक्टिंग करते नजर आते थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आती थी। उसके बाद हमारे देश में पहली सर्वाक यानी बोलती फिल्म बनी, जिसका नाम था आलम आरा। ये फिल्म 14 मार्च 1931 को सिनेमा घरों में दिखाई गई और इस फिल्म के फिल्मकार थे आदेशित एम ईरानी। बच्चों, जब ये फिल्म रिलीज हुई उस समय बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, जिन पोस्टरों पर लिखा था वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। सभी लोगों को आश्चर्य हुआ कि मुर्दे कैसे जिंदा हो गए, तो उन्होंने इस फिल्म में को देखने में भी बहुत रुचि दिखाई। उसके बाद बच्चों, अब बताते हैं ये फिल्म बनी कैसे। बच्चों, हॉलीवुड की एक फिल्म थी शोबूट, इसे देख करके इस आलम आरा फिल्म के जो निर्देशक थे, जो निर्माता थे आदेश एम ईरानी, इनको प्रेरणा मिली हॉलीवुड की फिल्म शोबूट देख करके। ये फिल्म बोलती फिल्म थी, तब इन्होंने सोचा कि हम भी बोलती फिल्म बनाएंगे, तो इन्होंने आलम आरा फिल्म बनाने का निर्णय लिया। इन्होंने आलम आरा की जो पटकथा थी वो एक नाटक से ली और इन्होंने उसी नाटक से गाने भी लिए, लेकिन उसमें संगीत के लिए इन्होंने जो म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट थे वो बहुत साधारण से इन्होंने प्रयोग किए, जैसे आपका तबला हो गया, हारमोनियम हो गया और वायलिन, इससे इन्होंने गानों में इस संगीत को इन्होंने तैयार किया। इसके बाद ये फिल्म रिलीज हो गई। इस फिल्म के 25 साल बाद, जब फिल्म रिलीज हुई उसके ठीक 25 साल बाद आदेश एम ईरानी को पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। और बच्चों, इसमें इस फिल्म में मुख्य कलाकार की भूमिका में एक जो कलाकार जो लिए गए थे उनका नाम था विट्ठल। विट्ठल को उर्दू बोलने में परेशानी होती थी, तो उन्हें उस नायक पद से उनको हटा करके दूसरे एक कलाकार को ले लिया गया, जिसका नाम था महमूद। उसके बाद में इन्हें ये बात बहुत बुरी लगी और इन्होंने इस पर मुकदमा दायर कर दिया। उस समय के प्रसिद्ध वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने इनके केस को लड़ा था और ये केस जीत गए थे। जीतने के बाद में फिर से इनको इस फिल्म में ले लिया गया था। धन्यवाद।